त्योहारी सीजन में आमजन को मिलावटी सामान की बजाय गुणवत्ता अनुसार सामान मिले, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग भी इन दिनों बाजार में सक्रिय हो गया है और निरंतर छापेमारी कर रहा है। इसी के चलते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी करने पहुंची। यहां टीम को एक हलवाई के गोदाम में फास्ट फूड तैयार होते हुए मिला। टीम ने पाया कि जहां ये फास्ट फूड तैयार किया जा रहा था, वहां ना तो साफ सफाई थी और ना ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा था। जांच टीम ने जब इस बारे में दुकान मालिक से लाइसेंस मांगा तो उनके पास फास्ट फूड तैयार किए जाने के पूरे सरकारी कागजात भी नहीं थे। उसी समय टीम ने इस बारे में सख्ती बरतते हुए न सिर्फ संबंधित दुकानदार को लाइसेंस न होने का नोटिस थमा दिया, बल्कि वहां तैयार की जा रही टोमेटो सॉस व फिंगर चिप्स के सैंपल भी ले लिए। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर जोगेंद्र ने बताया कि त्योहारी सीजन के दृष्टिगत लोगों को गुणवत्ता के हिसाब से अच्छा सामान मिले, इसी के चलते ही विभाग इन दिनों शहर में छापेमारी अभियान चला रहा है। अब तक शहर के अंदर 5 दर्जन दुकानों से सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में भी इसी तरह से शहर भर में इस तरह से छापेमारी अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसी तरह से चलाया जाता रहेगा। त्योहार के मौके पर हम सैंपलिंग कर रहे थे रोटी, उसके बाद हम कौन सी दुकान है यह? हलवाई की। हलवाई की दुकान है, उसका स्टोर चेक करने आए तो यहाँ पर जो पता चला कि ये फास्ट फूड बना रहे बिना कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के, और तब यहाँ जाके हमने सैंपलिंग देखी तो यहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन है, और हमने इनके 2 सैंपल ले लिए, एक सॉस का और एक फिंगर चिप्स फिंगर फ्राई का, और इनको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनाने का नोटिस दे दिया गया है और आगे की कार्रवाई इनकी रिपोर्ट आने पर। अच्छा, हलवाई की दुकान चेक की है। इन दिनों दिवाली का त्यौहार है। हाँ। और कितने क्या आप छापेमारी कर चुके? आज अभी तक इस त्योहारी सीजन में मैं 31 अक्टूबर तक 81 सैंपल हो चुके हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और आज सुबह सुबह 2 सैंपल लिए गए हैं पारस स्वीट सेंटर रेस्टोरेंट से, वहाँ से लिया गया है एक तो पकौड़े की चटनी और दूसरा पिस्ता। झज्जर से जगदीप राजजान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।